क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम लोग का यौगिक कीटोन समूह के यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे, इस चीज पर विशेषकर हम लोग को ध्यान देना है। लिखा गया है CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये चीज हम लोग को मिल गया है। देखिए ये हम लोग का 1, 2, 3 और कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 1, 2 तो 1 के बाद कितना हो गया 2, हम लिखेंगे 2, 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। कीटोन में हम लोग करना था एल्केन में क्या जोड़ना था, तो एल्केन में हम लोग को नोन जोड़ना था, एल्केन में हम लोग क्या जोड़ना था, ओन, ओन। अब आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि एल्केन में एल्क में ओन जोड़ना है, क्या हो जाएगा, एल्क में ओन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, एल्कोन, क्या हो जाएगा, एल्को, एल्केनोन, एल्के नोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्के नोन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, दो ब्यूटेन। उसके बाद हम लोग क्या है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कीटोन हो जाएगा। अब हम लोग को कीटोन क्या होना चाहिए, नहीं, कीटोन के लिए हम लोग पहले ही का ऊन लगा दिए हैं, इसलिए कीटोन हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है CH3 CH CH2 CH3। अब यहाँ पर हम लोग को डबल बॉन्ड से लग गया है 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग इधर से भी करेंगे 1, 2, 3, 4 कितना हो जाएगा 5, तो 1, 2, 3 हम लोग क्या लिखेंगे, 3, 1, 2, 3, 4, 5।
होता है, इसका सूत्र क्या होता है? CH होता है, इसका सूत्र क्या होता है या इसका समूह क्या होता है? CO H या ऐसे ही होता है, CHO भी होता है, लेकिन ये किसका होता है? ये हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड के, संभवतः हम लोग किसका पढ़े थे? एल्डिहाइड के बारे में संभवतः हम लोग पढ़े थे। आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग कैसे बोलेंगे? CH HCOO H, इसका संरचना अगर हम लोग बनाएंगे तो सी एच के एकल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, सी हो जाएगा, ओ एच से हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? सी पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का सूत्र है। ये हम लोग क्या है? ये हम लोग का सूत्र है, ठीक है। अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये जो हम लोग का है, इसको हम लोग संरचना बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरचना बोलते हैं। ये हम लोग का सूत्र है और ये हम लोग का है संरचना है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब जो इसका नाम है, ये समान नाम चलता है, समान नाम, और एक होता है IUPAC नाम, एक होता है IUPAC नाम होता है, ये समान नाम होता है, ये IUPAC नाम होता है। तो जो समान नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं फार्मिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? फार्मिक, फार्मिक अम्ल होता है। इसका नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल। इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा IUPAC में मेथनोइक अम्ल। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि फार्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल में क्या अंतर है, तो याद इतना ही अंतर है कि यह ये समान नाम है, इसका हम लोग समान नाम बोलते हैं, ये
रचना में हो जाएगा CH3C, उसके बाद हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड से O हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं संरचना। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, ये सामान्य नाम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सामान्य नाम में, इसका हम लोग सामान्य नाम में बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसको हम बोलते हैं एसिटिक, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल में ये सामान्य नाम होता है, इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथनोइक, एथनोइक अम्ल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथनोइक अम्ल। ये जैसे हम लोग का बढ़ते जाएगा वैसे हम लोग इसको क्या करते करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कार्बोक्सिक अम्ल है, ठीक है ना, और कार्बोक्सिक अम्ल में जब भी हम लोग का नोइक आना शुरू हो जाएगा, नोइक अंत में आना शुरू हो जाएगा नोइक, तो हम लोग किसको पकड़ लेंगे, कौन सा है, तो कार्बोक्सिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, कार्बोक्सिक अम्ल है। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हम लोग कार्बोक्सिक अम्ल बोलेंगे। चलिए इसका और उदाहरण लीजिए आप लोग, इसका उदाहरण और भी चल लीजिए। क्या लिखा गया उदाहरण में, लिखा गया है CH3, CH2, CH2 हो जाएगा आपको CHO। आप हम लोग कैसे इसको करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 ब्यूटनॉल आ जाएगा, ब्यूटनॉल। अगर हम लोग इसका नाम रखेंगे ब्यूटनॉल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा CH3 CH2 CH और यहाँ पहुंच जाएगा CH3। अब हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पहुंच जाएगा CHO हो जाएगा, CHO हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 1 2 3, 1 2 3। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, दो एगो, दो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो मेथिल, कितना है, दो मेथिल, एक प्रोपिल, एक 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 दो तीन, तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, सॉरी
समवायवीय किसे कहते हैं? वैसा कार्मिक यौगिक, वैसा कार्मिक यौगिक जिसके आरु सूत्र समान होता है, परंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसे समावायवीय कहते हैं, तथा इस घटना को समवायवता कहते हैं। समवायवता चलिए इसको लिख लीजिए, फिर इसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक इसका समान उदाहरण लीजिएगा, उदाहरण में इसका समान सूत्र C2H6O, ये दो समवायु होंगे, के दो समवायु होंगे। अब पहला कौन सा होगा? एक नंबर देख लीजिए, पहला कौन सा होगा? एक नंबर थोड़ा सा देख लीजिए, CH3 CH2 CH3 CH2 OH, और एक हो जाएगा CH3 O CH3। अब आप लोग को समझना है कि ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका नाम हो जाएगा हम लोग का एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। इसको हम लोग बोलेंगे 1,1,2, इसको बोलेंगे डाई मेथिल ईथर। यानी कहने का मतलब इसका तो क्या है, सूत्र तो क्या है, समान है, लेकिन यह क्या है, अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन दो गो है, तो कार्बन एगो एगो दो गो है, ऑक्सीजन छ गो है, सॉरी हाइड्रोजन छ गो, हाइड्रोजन दो गो, तीन गो, पाँच गो, पाँच गो, छ गो है, ऑक्सीजन एक गो है। यहाँ पर हो जाएगा एगो एगो दो गो, यहाँ पर तीन तीन छ गो, यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीजन एक गो। ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
होता आठ गो है, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात कितना हो जाएगा आठ, मत बोलो कार्बन कितना है तीन गो, एक दो तीन, ऑक्सीजन कितना है एक। अब इसका हम लोग नाम क्या रखेंगे, नाम रख लो भाई पता है, एक दो तीन, यहाँ पे हो जाएगा एक, एक दो तीन चार, एक तो हम लोग हो जाएगा प्रोपी, प्रोपेनॉल हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एल्कोहल है तो नाल हो जाएगा, ठीक है ना, एल्कोहल है तो नाल हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा कौन सा हो जाएगा, इसका दूसरा कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री नीचे हो जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओ एच, ओ एच हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे एक दो तीन, चाहे इधर से लिखेंगे एक दो कितना हो जाएगा तीन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए दो दो, यहाँ पे क्या है मेथिल है और ये भी क्या है मेथिल है, तो दो मेथिल तो हम लोग लेके नहीं चलेंगे, एक दो, एक दो तीन, तो तीन को हम लोग क्या लेके चल चलेंगे, एक दो दो हो गया प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, दो प्रोपेनॉल। तो आप लोग ये को कहा है इसका अणु सूत्र का है समान है, लेकिन इसका समय कितना हो गया दो को, एक को यहाँ पे हो गया और एक को यहाँ पे हो गया। अब इसमें देखिए तीन को आ, तीन को